हमको बीच बीच में बोला कि सब वहाँ जाइए, फैसला निकल जाएगा। और इसी बीच में हमारा चचेरे भाई इनर देव रविदास, पप्पू रविदास, प्रकाश रविदास, सुनील रविदास, पंच रविदास सभी मिलके हमको हमला कर रहा था कि घर में ढूक करके हमको ईंटा पत्थर रड लेकर के भुजाली लेकर के डूब गया और जान मारने की धमकी दिया और जान मार रहा था इसी बीच में। और जब खैरा थाना जब प्रशासन आया, भोला सिंह दरोगा, तब हमको जान बचा। जब भोला सिंह खैरा थाना से जब आया, बोला चलो खैरा थाना। जब खैरा थाना गए, रात भर हम लोग ठंडी गुजारे, चबूतरा पर दुर्गा मंदिर के सामने गुजारे। बोला सुबह बड़ा बाबू से भेंट करना। जब बड़ा बाबू से भेंट करने गया तो बड़ा बाबू खदेड़ के भगा दिया। हम लोग SP DM सभी जगह भटक गए। देखिए और देखिए, ये हम लोग अगला जनवरी में भी इस तरह का हमको घटना ऐसा घटाया है कि किस तरह से हम पूरे परिवार के साथ में भटक रहे हैं। नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, पटना DM SP DIG खैरा थाना सभी जगह। ये मामला कब की है? मामला ये चल रहा है, साल भर से मामला चल रहा है, साल भर से। हाँ, आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जनता दरबार है क्योंकि सोमवार का दिन है और लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोगों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। और देखने को ज्यादातर मामले ये आते हैं कि जमीनी विवाद से जुड़ा हुआ एक और मामला आया है। देखिए, सारा सामान लेकर के, घर का सारा सामान लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में आए हुए हैं। हम इन लोग से बात करेंगे। क्या नाम हुआ भैया? विष्णुदेव रविदास, हरदी मोह, खैरा थाना, जम्मू जिला। हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास आए हैं। हम आए हैं, हमको बीच बीच में बोला कि सब वहाँ जाइए, फैसला निकल जाएगा। और इसी बीच में हमारा चचेरे भाई इनर देव रविदास, पप्पू रविदास, प्रकाश रविदास, सुनील रविदास, पंच रविदास सभी मिलके हमको हमला कर रहा था और बार बार परेशान कर। और कल ऐसा एक अचानक हमला बोल दिया है कि घर में डूब करके हमको ईंटा पत्थर रड लेकर के भुजाली लेकर के डूब गया और जान मारने की धमकी दिया और जान मार रहा था इसी बीच में। और जब खैरा थाना जब प्रशासन आया, भोला सिंह दरोगा, तब हमको जान बचा और उसको ईंटा पत्थर ऐसा कर कि घर को हमको रद्दबद्ध कर दिया। और कई बार रद्दबद्ध, जब भोला सिंह खैरा थाना से जब आया, बोला चलो खैरा थाना। जब खैरा थाना गए, रात भर हम लोग ठंडी गुजारे, चबूतरा पर दुर्गा मंदिर के सामने गुजारे। बोला सुबह बड़ा बाबू से भेंट करना। जब बड़ा बाबू से भेंट करने गया तो बड़ा बाबू खदेड़ के भगा दिया। हम लोग SP DM सभी जगह भटक गए। देखिए और देखिए, ये हम लोग अगला जनवरी में भी इस तरह का हमको घटना ऐसा घटाया है कि किस तरह से हम पूरे परिवार के साथ में भटक रहे हैं, देखा जाए इसमें सबूत। उन्हें तलवार लेकर खदेड़ा जोड़ो, इस तरह की पेपर में आया है ना। हाँ, देखिए देखिए, यहाँ भी दबंगों ने, देखिए दबंगों ने धमकी से सरदर्द मौसम में इस तरह की खबरें आते रहती है। हाँ, बार बार हमको ऐसा कर रहा है, उसके सबूत हमारे पास में। देखिए, हम रजिस्ट्री भी किए कर चुके हैं सभी जगह, नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, पटना DM SP DIG खैरा थाना सभी जगह। ये मामला कब की है? मामला ये चल रहा है, साल भर से मामला चल रहा है, साल भर से। हाँ, अगर आप थाना अध्यक्ष के पास जाते हैं, आपके नजदीकी थाना में, तो क्या बोला जाता है? थाना जाते हैं सर, खदेड़ के भगा देता है, कोई सुनवाई। हम यही चाहते हैं अगर दोनों पार्टी पकड़ करके हमको फैसला दिला जाए, हमको आधा हिस्सा दिलवा दिया जाए, तू भी फैसला मानने के लिए हम तैयार है, केस करे हैं, मान लिया हमारा पैसा चला जाए पानी में, लेकिन हमको फैसला तो दिया जाए सर। आप एक महिला है, बच्चे को लेकर के सड़क पर बैठी हुई है, कैसे रहेंगे अब? सर हम कौन हालत से है सर, बच्चा बहन लेके अखड़ा घर से काले निकाल दिया घर से सर, अब कौन हालत में है सर, इसका निर्धारण हमरा कर दी सर। खैरा थाना किया, बड़ा बाबू खदर के भगा दिया कि भागो यहाँ से, थाना नहीं आना है। बबीता देवी और मुनी देवी के दुयो को भगा दिया। अच्छा ठीक है, मुख्यमंत्री जनता दरबार के लिए अप्लाई करना पड़ता है, क्या आपने अप्लाई किया है? मुख्यमंत्री से मिलने के लिए अप्लाई करना पड़ता है, अप्लाई किए? दरखास्त लगाया सर, दरखास्त लेके आया। तो मुख्यमंत्री अभी मिले हैं आपको? नहीं सर, नहीं मिले हैं। कैसे मिलेंगे जब तक आप अप्लाई नहीं कीजिएगा? तो अप्लाई की जानकारी नहीं मिला सर, तो कैसे हमसे जानकारी ही नहीं मिला सर? जानकारी यहाँ पर ही नहीं जाना कि ऑनलाइन सती हुआ, ये जाना कि नीतीश कुमार के पास जाएगा तो फैसला कर जी। क्या बोल रहे बाबू तुम? बोल दे बेटा, नीतीश कुमार पर गया तो भगा दिया, अट्टा पका चला करके सब। कैसे रहोगे, कहाँ रहोगे तुम? नीतीश कुमार के पास में आया, फैसला फैसला कर। अच्छा, पढ़ते हो तुम? हाँ। कौन से क्लास में पढ़ते हो? टू क्लास में। चलो, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री से मिलने का जो प्रक्रिया है जनता दरबार में, पहले ऑनलाइन किया जाता है, बहुत लोग को जानकारी का अभाव रहता है, इस वजह से वो डायरेक्ट मुख्यमंत्री जनता दरबार में आ जाते हैं और इस तरह के सामान लेकर के आए हैं। देख सकते हैं कि झोला में सामान है, बोरा में सामान है और सामान लेकर के आते हैं और मुख्यमंत्री से मिल नहीं पाते हैं जानकारी के अभाव में। बहरहाल, बने रहें जनता जंक्शन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।